नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। आज के अंक में हम बात करेंगे हथेली की रेखा जब दो भागों में बढ़ जाती है, चाहे वो आपकी लाइफ लाइन हो या हो सकती है आपकी मस्तिष्क रेखा हो या फिर हमारी भाग्य रेखा जो अक्सर इस प्रकार से दो भागों में जाके बढ़ जाती है, या हमारी हृदय रेखा या कोई भी रेखा का दो भागों में बटना या जिसे दो मुही रेखा भी कही गई है। कुछ जगह इसे विष्णु तिलक भी कहा जाता है, कुछ लोग इसे भी का साइन भी कहते हैं। तो क्या अर्थ होता है ये निर्भर करता है कि आपकी रेखाएं कहां पर बट रही है। क्या ये शनि क्षेत्र पर जाकर बट रही है, क्या ये गुरु क्षेत्र की ओर जा रही है, या आपकी लाइफ लाइन बट रही है तो क्या ये शुक्र में प्रवेश कर रही है, क्या ये केतु पर्वत की ओर जा रही है। बहुत सारी बातें, हम एक एक करके सभी चीज़ों को आज जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम देखें हम भाग्य रेखा की बात करते हैं। भाग्य रेखा का अर्थ होता है, ये है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा का दो भागों में बटना, ये किस प्रकार से बटता है, ये इस प्रकार से बटता है। भाग्य रेखा दो भागों में, ये दो भागों में बटना अक्सर शनि पर। यदि आपकी भी भाग्य रेखा यहाँ से निकली तो है परंतु यहाँ जाके दो भागों में बट रही है, यह एक शुभ संकेत है। यह शुभ संकेत किस प्रकार का इंडिकेशन होता है, जब शुभ कहते हैं अर्थात अच्छा होता है। दो भागों में बटना अर्थात उम्र के इस पड़ाव में जाकर आपको धन के स्रोत एक से अधिक होंगे। इसका अर्थ ये होता है कि आपको जो धन आएगा वो दो क्षेत्र से आ सकता है। हो सकता है कि आप दो प्रकार के कोई कार्य करते हो, दो प्रकार के बिजनेस करते हो, बिजनेस के साथ साथ कहीं जॉब या सर्विस भी करते हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो भाग्य रेखा का दो भागों में बटना ये शुभ होता है, परंतु कभी कभी क्या होता है कि भाग्य रेखा नीचे की ओर दो भागों में बटी हुई दिखती है। तो यहाँ पर देखना है कि एक रेखा इसमें जाकर मिल रही है या कोई रेखा इससे निकल रही है। यदि कोई रेखा यहाँ से जाकर इस प्रकार से मिल रही है तो कहीं ना कहीं से एक धन के स्रोत आके इसमें सपोर्ट करेंगे, ऐसा हमें समझना चाहिए। ये तो हो गई भाग्य रेखा। मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलती है और अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर जाके दो भागों में बट जाती है। ये एक अच्छा संयोग कहा गया है शास्त्र में, ये एक अच्छी युति कही गई। ऐसे व्यक्ति काफ़ी समझदार होते हैं और इनका संतुलन हर क्षेत्र में होता है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा यदि स्ट्रेट हो, जैसे ये बिल्कुल सीधी हो, अर्थात ऐसे लोग यथार्थवादी होते हैं, वास्तविकता को अधिक देखते हैं और यथार्थ को देखकर वर्क करते हैं और उसी को समझते हैं, उसी को जानते हैं। परंतु जिनकी ये ब्रांच के चंद्र की ओर चली जाती है, ऐसे लोग यथार्थ के साथ साथ अब कल्पना शक्ति भी इनकी मजबूत हो जाती है, अर्थात मन में हृदय सी जो भावना होती है वो भी दिखता है। यथार्थवादी अर्थात वास्तविकता, ऐसे लोग जो रियलिटी होते हैं केवल उसको मानते हैं, परंतु ऐसे लोग रियलिटी के साथ साथ लोगों का भी ध्यान रखते हैं, कल्पना को भी देखते हैं, यह भी ध्यान रखते हैं कि सामने वाले पर हमारे वर्क का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो अर्थात ये एक अच्छा चीज़ माना जाता है कि आपका मस्तिष्क दोनों तरीके से सोचता है, अर्थात अपना भी भला जानता है और साथ में लोगों का भी भला सोचता है। ये मस्तिष्क रेखा कहती है। ये रेखा यहाँ पर जाके बढ़ती हो, अक्सर देखते हैं कि यहाँ पर जाके इस प्रकार से बढ़ जाती है ये, तो ये गुरु पर्वत की ओर इस प्रकार से ब्रांच आना मस्तिष्क रेखा से, अर्थात मानसिक शक्ति जो है आपकी, मस्तिष्क की ऊर्जा जो वो महत्वाकांक्षा में चेंज हो रही है, अर्थात आपकी इच्छाएं अनंत होगी, आपकी महत्वाकांक्षा काफ़ी बढ़ी हुई होगी, जीवन में सब कुछ पाने की इच्छा, अच्छी उन्नति, अच्छी प्रगति करने की इच्छा। और जब तक व्यक्ति के अंदर में इच्छाएं नहीं होती है व्यक्ति सफल नहीं होता है, तो ये इच्छा की रेखा होना अति आवश्यक है। ये रेखा शुद्ध है, निर्दोष है, तो व्यक्ति लाइफ में अपनी इच्छा की पूर्ति अवश्य करता है। ये हो गई हेडलाइन। अब आइए बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा, ये है आपकी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन का दो पार्ट में बटना कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि व्यक्ति को दूर से संबंध रहेगा,
घर के दूर से कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति वर्क करेंगे और वहाँ से जाकर इनको लाइफ में धन का आगमन होने की संभावना होती है। जैसे मान लिया जाए ये शुक्र में जा रही है और एक चंद्र में यदि जा रही है, चंद्र की ओर झुका हुआ है, अर्थात दूर का धन, दूर का वर्क, घर से दूर जाकर निवास करना, इन प्रकार की चीज़ों को ये दिखलाता है। परंतु जब ये कई रेखाएं हो तो इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन शक्ति में हरासमेंट हो सकता है, विशेषकर उम्र के इस पड़ाव में कहीं ना कहीं ये कमजोरी को दिखलाता है, शारीरिक कमजोरी को, मानसिक कमजोरी को भी ये दिखलाता है। ये हो गई लाइफ लाइन। अब हम देखते हैं हमारी हृदय रेखा अक्सर यहाँ पर आकर ये बढ़ती हुई दिखती है। तो ये कई प्रकार से बढ़ती है। कोई गुरु पर्वत पर जाता है तो गुरु पर्वत क्या है, निश्चल प्रेम को दिखलाता है। हृदय क्या है, हमारे मन की भावना, हमारी मन की भावना की ये रेखा है हृदय रेखा। और हृदय रेखा गुरु पर एक ब्रांच का चला जाना अर्थात निश्चल प्रेम, मन में जो बिना छल कपट रहित प्रेम जो होता है, छल कपट नहीं होता है, निस्वार्थ भाव से किसी के साथ जुड़ना, इन चीज़ों को दिखलाता है। और वहाँ यदि एक ब्रांच शनि पर चला जाए, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति में स्वार्थ की भावना और ये है निस्वार्थ की भावना, दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन, अर्थात यहाँ पर हृदय रेखा का दो भागों में बंटना, इस प्रकार से ये शुभ माना गया है। इस प्रकार से जिसे लोग अक्सर भी साइन, विष्णु सिंबल, बहुत तरह की चीज़ें लोग बोलते हैं, और ये भाग्य रेखा भी यदि यहाँ पर आके दो भागों में बंटती है तो यह भी शुभ माना जाता है। चूँकि ये दो ब्रांच दिखलाते हैं कि धन के स्रोत एक से अधिक हो सकते हैं। यदि एक ब्रांच गुरु पर्वत की ओर झुक जाए तो ऐसे व्यक्ति धनी मनी होने के साथ साथ आध्यात्मिक भी होता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।